हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोनाली और आप देख रहे हो स्मार्ट वर्ड चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कैसे इमेज की साइज़ को रिसाइज़ किया जाता है। हमको क्यों रिसाइज़ करना है? क्योंकि हम ज़्यादातर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों ने बोला होता है ज़्यादातर 100 MB तक की फ़ोटो को हम अपलोड कर सकते हैं। कई बार उन लोगों ने ऐसा भी कहा होता है 10 या 20 KB की फ़ोटो को आप अपलोड करें। तो ज़्यादातर हम फ़ोन से जो फ़ोटो क्लिक करते हैं उसकी साइज़ 1 या 2 MB की होती है, तो उसको हमको कन्वर्ट करना है 100 KB में या 20 KB में। तो उसके लिए आपको आज हम स्टेप्स दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप एंड तक बने रहिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, आपको जो इमेज है उसकी साइज़ को रिड्यूस करना है, वो इमेज को सबसे पहले कैप्चर करना पड़ेगा। तो वो जो आपका फ़ोटो है वो आप कैप्चर करें तो आप ऐसे दिखेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। उसके लिए आपको एडिट में जाना है, एडिट में जाके क्रॉप करना है। ऐसे आप क्रॉप कर सकते हो। ओके, फिर सेव पे क्लिक करना है। आपने जो भी पहले फ़ोटो लिया था उसकी साइज़ देखिए 2.79 MB है, और आपने अभी जो क्रॉप किया उसकी साइज़ देखिए 833 KB है। अभी आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, रिड्यूस फ़ोटो साइज़ ऐप। ये बहुत अच्छी ऐप है, इसका कोई मुझे पेमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ मैं एडवर्टाइज़ भी नहीं करती हूँ, पर ये अच्छी ऐप है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रिड्यूस फ़ोटो साइज़ ऐप है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। हमने करके रखी है इसलिए हम ओपन करते। फिर आपको रिड्यूस फ़ोटो साइज़ ऐप में जाके सिलेक्ट इमेज करना है, और आपका जो फ़ोटो है जो हमने क्रॉप किया था वो सिलेक्ट करना है। देखिए इसकी साइज़ कितनी दिखा रही है, 813 KB। फिर आपको इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे हमको कस्टम दिख रहा है और ये साइज़ दिख रही है बहुत सारी। यहाँ पे आपको कस्टम दिख रहा है, आपको मानो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए साइज़ पर्टिकुलर दी गई हो तो कस्टम पे जाके आप क्लिक करके यहाँ आपकी जो साइज़ दी गई है वो आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हो। पर हमको अभी जो भी चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली, देखिए इसकी साइज़ कितनी हो गई, 14 KB हो गई। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ जो डॉट है वहाँ पे जाके सेव एज़ पे क्लिक करना है। ये आपको क्या दिखाएगा, तो ये कहाँ पे सेव हुआ है उसका रेगुलर पाथ दिखाएगा और आपकी फ़ाइल का नाम दिखा रहा है। फिर सेव करते हैं, फिर आप गैलरी में जाके देखते हैं ये फ़ोटो कहाँ पे सेव हुई है। तो आपको ये फ़ोटो आपकी गैलरी में रिड्यूस फ़ोटो साइज़ नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसमें आपको यहाँ पे वो फ़ोटो दिखेगा। ओके, देखो उसकी साइज़ 15.34 KB की हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी चैनल को, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यानी आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको नहीं पता वो वीडियो देख के ये काम कर सके और ऑनलाइन फॉर्म इजीली फिल कर सके। थैंक यू।